आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस कलर की वूल से और यहाँ पर देखिए नीडल ली है मैंने 10 नंबर, तो इससे एक बहुत ही सुंदर एक नीटिंग बॉर्डर डिजाइन बनाएंगे। तो इसे हमने किस तरह से बनाना, फंदे किस तरह से डालने हैं वो आपको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। तो हम 10 नंबर की इस तरह से नीडल लेंगे और ऐसे सिंगल धागे से हम ऐसे सिंगल धागे से हम फंदे डालेंगे इस तरह से नीडल पे रखेंगे। ऐसे करेंगे हम इसके नीचे से ऐसे इस तरह से लेके और यहां पर ऊपर से ऐसे फंदे को उतारेंगे और अब इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। फिर से आगे यहां से इस तरह से करेंगे और ऐसे फंदे को ऊपर से उतार के और इस फंदे को यहां से गिरा के और ऐसे खींच लेंगे। फिर से ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से फंदे हम डालेंगे। तो इस तरह से करेंगे, यहां ऐसे फंदे को डालेंगे, इसके ऊपर से ऐसे ये सिंगल धागा है इसको लेंगे और इस फंदे को यहां से करके और इसे ऐसे खींच लेंगे। तो इस तरह से हम ये फंदे डालेंगे। तो मैं ये फंदे डाल लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम बनाएंगे। देखिए मैंने सिंगल धागे से फंदे डाल लिए, अब हम इसमें से एक नीडल को इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये नीडल निकालने से ये हमारे फंदे इस तरह से लूज से फंदे डल के आए हैं, बिल्कुल लूज लूज से फंदे डले हैं और इस डिजाइन में हमने लूज ही फंदे को डालना है। तो अब हमें किस तरह से बनाना है बॉर्डर, ध्यान से देखिए। पहले फंदे को बनाइए या उतारिए वो आपके ऊपर, आपकी मर्जी है। एक फंदा ये सीधा माना, ये दूसरा फंदा सीधा, तीसरा फंदा सीधा और ये चौथा फंदा सीधा। चार फंदे हमने इस तरह से ध्यान से देखे बिल्कुल सीधे सीधे बनाए हैं। चार फंदे सीधे बनाने के बाद अब जो ये इधर से हमारा ये एक दो तीसरा फंदा है, इस फंदे को हमें चौथे फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर से अगला फंदा फिर से हम एक बार गिराया, फिर से सीधा फंदा बनाएंगे, फिर से ये दूसरी बार इसके ऊपर से ऐसे गिराया दो बार, फिर से अगला फंदा सीधा बनाएंगे तो ये तीसरी बार ऐसे गिराया, फिर से आगे फिर से हम इस तरह से फंदा बनाएंगे सीधा, फिर ये चौथी बार। ये हमने ध्यान से देखिए चार बार फंदों को इस तरह से इसके ऊपर से गिराया। अब आगे फिर से हम ध्यान से देखिए, आगे एक दो तीन, तीन फंदे फिर से हम बनाएंगे। ये यहाँ पर टोटल मेरे बीच में चार फंदे बन गए हैं। अब यहाँ पर जो ये एक दो तीसरे वाला फंदा फिर से इसको हम इसके ऊपर से ऐसे गिराएंगे। तो एक बार गिराया, फिर आगे दूसरा फंदा ये बनाएंगे तो ये आगे फिर से हमने ये दूसरे फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे दो बार, फिर से आगे सीधा फंदा बनाएंगे, फिर से इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे तीन बार, फिर से इस फंदे को सीधा बनाएंगे अगले को ये फिर से चार बार, ये चार बार फिर से हमने फंदे को गिराया। फिर आगे फिर से एक फंदा तो ये है बचा हुआ है, आगे फिर से हमने एक दो और तीन, तीन फंदे फिर से हमने सीधे बनाए। तीन फंदे बनाने के बाद फिर एक दो, जो ये वाला तीसरा फंदा है आगे से दूसरा और पीछे से तीसरा, इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो एक बार उतारा, फिर अगला फंदा बनाएंगे सीधा, फिर इस फंदे को उतार देंगे दो बार उतारेंगे, फिर अगला सीधा फंदा बनाएंगे, फिर ये यहाँ पर तीसरी बार उतारेंगे, फिर से यहाँ पर उतारेंगे ये चौथा फंदा बनाएंगे और ये चौथा फंदा इसके ऊपर से गिरा देंगे। चार बार फिर से गिराया हमने ये, फिर से आगे ध्यान से देखिए, आगे एक दो तीन, तीन फंदे फिर से हमने ऐसे सीधे,
ये चार बार बनाने के बाद जो ये इधर से दूसरा फंदा और पीछे से है तीसरा फंदा, इस फंदे को लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे हम गिरा देंगे। फिर अगला फंदा फिर से हम सीधा बनाएंगे, एक बार गिराया ये, अब ये गिराएंगे हम दूसरी बार इस तरह से, फिर से सीधा बनाएंगे हम फंदा, ये हम गिराएंगे तीसरी बार इस तरह से, फिर से अगला सीधा फंदा, फिर बनाएंगे गिराएंगे ये हम चार बार, ये इस तरह से चार बार फिर से मैंने फंदों को गिराया। फिर आगे तीन फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे, तो एक दो और तीन, तीन फंदे सीधे बनाएंगे। तीन फंदे इस तरह से सीधे बनाने के बाद ध्यान से देखिए, इस फंदे को लेंगे दूसरे वाले को पहले वाले के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर से अगला फंदा फिर से हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे, इस तरह से सीधा बनाएंगे। अब फिर इस फंदे को इसके ऊपर से दूसरी बार गिराएंगे दो बार, फिर से अगला सीधा फंदा तीसरी बार बनाया और ये तीसरी बार ही इसके ऊपर से ऐसे उतारा, फिर ये चौथी बार फंदा बनाया और तो ये चौथी बार ही फंदा हमने इसके ऊपर से उतारा, ये चार बार फिर से हमने फंदों को उतारा। आगे तीन फंदे फिर से हम सीधे, एक दो तीन, फिर से हम क्या करेंगे, इस फंदे को लेंगे दूसरे वाले को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, एक बार गिराया फिर से दूसरा फंदा बनाया, तो दूसरी बार गिराया, फिर से ये तीसरी बार फंदा बनाया, तो तीसरी बार गिराया, फिर से ये चौथी बार फंदा बनाया, तो फिर से हमने ये चौथी बार फंदा इस तरह से गिराया। तो ये चार बार हमने फंदों को गिरा दिया, लास्ट का बचा है एक फंदा, तो इसे हमने इस तरह से सीधा बना लिया। तो इस तरह से ये हमने अपनी पहली सिलाई को बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गई है अगली सिलाई और दूसरी सिलाई की तरफ, दूसरी सिलाई को किस तरह से बनाएंगे, पहले फंदे को उतारिए ये बनाइए वो आपके ऊपर आपकी मर्जी है। अब ये एक फंदा उल्टा, अब बीच में हमने चार फंदे हमारे ऊपर से गिराए गए थे, तो किस तरह से हमने इसको पूरा करना है। दो फंदे बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमने एक बार दो बार तीन बार और चार बार, चार बार इस तरह से हम फंदे को बीच में जो एरिया है इसमें लपेटेंगे। अब दो फंदे अगले हम उल्टे बनाएंगे, एक और दो, दो फंदे उल्टे बनाए, फिर से चार बार ऐसे फंदे में लपेटेंगे, एक दो तीन चार, फिर से अगले दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक दो, फिर से आगे बीच में जो ये एरिया है इसमें हम चार बार फिर से लपेटेंगे, दो बार तीन बार और चार बार, फिर से दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये दूसरी सिलाई है, उल्टी सिलाई है। फिर से हम आगे चार बार फंदे को सिलाई में इस तरह से लपेटेंगे, एक बार दो बार तीन बार चार बार, बीच में फिर से ये दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक दो इस तरह से, फिर से चार बार ऐसे फंदा लपेटेंगे, दो बार तीन बार चार बार, फिर से यहाँ पर दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे, एक दो, फिर से ये बीच में जो हमने चार फंदे ऊपर से उतारे थे ये बीच का एरिया है इसमें चार बार फंदे फिर से ऐसे लपेटेंगे सिलाई पे, लास्ट के दो फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे, एक और दो। तो ये हमने यहाँ पर दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से बना के कंप्लीट किया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की तीसरी सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। तीसरी सिलाई को किस तरह से बनाएंगे ध्यान से देखिए, पहले फंदे को ऐसे ही बनाएंगे, दूसरे को ऐसे सीधा बनाएंगे। अब जो ये चार फंदे, चार बार हमने ये धागा लपेटा था, इसको किस तरह से बनाना, इसको ऐसे हम लूज करेंगे और बैक लूप से ऐसे सीधा फंदा बनाएंगे। तो एक फंदा बना, अब ये दूसरा फंदा बनाना है हमने,
इस तरह से बैक लूप से दूसरा फंदा बनाया, फिर से यहाँ पर ये तीसरा फंदा बनाया, इस तरह से तीन फंदे बनाए, फिर से ये यहाँ पर लास्ट में चौथा फंदा बनाया। तो ये चार फंदे हमने फिर से बना लिए। बीच में ये दो फंदे सीधे हैं तो इनको सीधा बनाएंगे, एक दो, इस तरह से। अब फिर से आ गई है चार फंदे हमारे लपेटे हुए, एक दो तीन चार, तो ऐसे इसमें डालेंगे, इस तरह से इसके ऊपर से ऐसे फंदे को सीधा बनाएंगे एक बार, इस तरह से। फिर बनाएंगे ये इसी तरह से ये बैक लूप से दूसरी बार, इस तरह से। फिर बनाएंगे ये इस तरह से ही तीसरी बार, फिर ये लास्ट है हमारा चौथी बार। तो चार फंदे फिर से बना लिए हैं, बीच में ये दो फंदे हमारे बचे हैं, इनको भी सीधा बनाएंगे। तो एक और दो, दो फंदे हमने फिर से सीधे बनाए, फिर से ये चार फंदे लपेटे हुए आए हैं। तो ऐसे नीडल करेंगे और ऐसे बैक की तरफ लेके सीधा फंदा बनाएंगे। तो एक बार ये दूसरा फंदा बनाया और ये तीसरा फंदा बनाया और ये बनेगा हमारा चौथा फंदा। चार फंदे फिर से बनाए हमने, बीच के दो फंदे हैं इनको सीधा बनाएंगे, एक दो। तीसरी सिलाई है, ध्यान दीजिए, और सीधी सिलाई है। फिर से ये चार फंदे लपेटे हुए आए हैं, इसको यहाँ से ऐसे लेंगे और ऐसे बैक की तरफ लेके सीधा फंदा बनाएंगे। चार फंदे हैं ये हमारे लपेटे हुए, तो चार फंदे ही हमारे कम हुए थे, तो इसी तरह से चार फंदे वापिस हमने बनाने हैं। तो दो बार ये यहाँ पर, तीसरी बार, और ये यहाँ पर देखिए, चौथी बार। चार फंदे बनाए, फिर यहाँ पर दो फंदे सीधे बीच के जो है, फिर आगे फिर से आ गए हैं चार फंदे हमारे लपेटे हुए। तो ध्यान से देखिए, एक फंदा ऐसे सीधा, फिर से इस फंदे को ऐसे इस तरह से यहाँ से पकड़ लीजिए और इसे ऐसे बैक की तरफ ले जाइए और इसे सीधा बना लीजिए। दूसरा फंदा, फिर से इसे इसी तरह से, तीसरा फंदा, और फिर ये है लास्ट वाला फंदा यानी कि चौथा फंदा। ये चार फंदे, फिर बीच के ये दो फंदे सीधे, एक और दो, फिर ये चार फंदे हमारे फिर से लपेटे हुए चार फंदे आए हैं। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, एक फंदा सीधा बनाया, फिर आगे से ऐसे नीडल को यहाँ से इस धागे को दबाइए आगे करके अंगूठे से और इसे बैक की तरफ ले जाइए सिलाई को, इस तरह से बिल्कुल आसानी से इस तरह से फंदे बनेंगे। तो दूसरा फंदा, फिर ये इसी में डालेंगे हम यहाँ पर तीसरा फंदा, फिर से इसी धागे पे डाल के और बैक लूप से हम ये चौथा फंदा। चार फंदे ये इस तरह से हमने बनाए, लास्ट के बचे हैं दो फंदे, तो इन्हें भी हम सीधा ही बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर अपनी तीसरी सिलाई को सीधी साइड से बना के कंप्लीट किया। चौथी सिलाई है और यहाँ पर ध्यान दीजिए, उल्टी सिलाई, चौथी सिलाई को पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने चौथी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की पांचवी सिलाई है और सीधी सिलाई। पांचवी सिलाई को हम सीधी साइड से ध्यान से देखिए, पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये सिलाई सीधी सीधी बुन लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे छठी सिलाई को किस तरह से बनाएंगे। तो ये पांचवी सिलाई को सीधी साइड से सीधा सीधा बनाते हुए हमने कंप्लीट किया। डिज़ाइन की छठी सिलाई है यहाँ पर और ध्यान से देखिए, उल्टी सिलाई, छठी सिलाई को भी हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो
तो फ्रेंड्स बिल्कुल रेडीमेड लुक में डिजाइन बनता हुआ है। इसे आप लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, स्वेटर में, टॉप में, किसी में भी डालिए, सभी में डल के बिल्कुल रेडीमेड जैसा डिजाइन बनता हुआ आएगा। बहुत ही सुंदर डिजाइन है और बिल्कुल आसान डिजाइन है। जितना डिजाइन देखने में सुंदर है फ्रेंड्स, उतना ही बनाने में बिल्कुल ही आसान डिजाइन है। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद यानी कि बनाने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका डिज़ाइन कैसा बना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताना, मैं उसका जवाब दूंगी। तो आप इस तरह से पूरी सिलाई को, छठी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए उल्टी सिलाई को हमने उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, छह सिलाइयों में डिजाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। तो डिजाइन ध्यान से देखिए कितना सुंदर डिजाइन है, देखने में बिल्कुल रेडीमेड लुक में डिजाइन बनता हुआ आया। जितना डिजाइन देखने में सुंदर है फ्रेंड्स, उतना ही बनाने में बिल्कुल ही आसान डिजाइन। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरा डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ।